हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये जो वीडियो है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनविटेशन। वैसे हमने, जैसे आपको पहले ही पता है, वीडियोज़ में कंक्लूड किया हुआ है, दैट इज़ ए फैक्ट, कि इन्विटेशन हर किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होता, खासकर यंग एप्लीकेंट्स के लिए। इन्विटेशन मैं कह रहा हूँ फ्रॉम योर रिलेटिव्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम खासकर अब फोकस करेंगे करंट सिनेरियो को पॉइंट अपने माइंड में रखते हुए कि आज के डेट में इनविटेशन किसको लगाना चाहिए, और अगर लगाना है तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द विद रिस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ वीज़ा। और ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने अपने एंड पे दिमाग में रखने हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जिसने आपको इनवाइट किया, जो आपका रिलेटिव है, उसने बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना, तो उनके ऊपर काफ़ी बेस्ड रहता है वीज़ा ऑफिसर का ग्रांट करना है नहीं करना। वहाँ पर थोड़ी बहुत ही भी अगर आपकी चूक हो जाती है, स्पेशली ऑन द ऑस्ट्रेलियन साइड जिसने आपको इन्वाइट किया हुआ है, देन यू कैन हैव रिफ्यूज़ल। तो इसी पे हम फोकस करेंगे, करंट सिनेरियो को देख के आजकल क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दोज जिनके रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया में हैं और इनविटेशन के थ्रू वो वीज़ा लेना चाहते हैं। एंड अगेन क्लैरिफाइंग, सबसे पहले यंग एप्लीकेंट्स के लिए एज सच, तो नंबर वन पॉइंट है वो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, इन्विटेशन वर्कआउट नहीं करता है। तो बिना बात के, बिना सोचे समझे इन्विटेशन ना लगाएं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही इन्विटेशन वर्कआउट करता है फॉर द यंग एप्लीकेंट्स, ये बहुत क्लियर है, ये हमने पहले भी बोला हुआ है, अब भी इसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन्विटेशन वर्क्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, और वो भी डिपेंड करता है कौन आपको इन्वाइट कर रहा है, किस सिचुएशन में इन्वाइट, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। तो इन्विटेशन बेस्ड वीज़ा की फाइल लगाने से पहले ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, मीटिंग भी बुक कर सकते हैं फिजिकल इन आर ऑफिस, और जूम मीटिंग तो आप कहीं से भी थ्रू आउट लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन प्रोसीड विद योर केस, कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा लगाना है कि नहीं लगाना, अगर लगाना तो किस तरह से लगाना है इन्विटेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो नंबर वन चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि रियल रिलेटिव हो, अब रियल रिलेटिव में भाई बहन के अलावा और भी कई रिलेटिव्स रियल में आते हैं, जैसे रियल आपकी मौसी है, रियल आपके मामा हैं, वो कज़न को सेकंड नंबर पे रखें। कज़न्स से आज के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, कज़न्स को वो ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड आप सरकमस्टांस बना लो। तो अगर जब आप इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, इन्विटेशन आपने लेना है, कोई इस तरह से आप वीज़ा फाइलिंग कर रहे हैं कि किसी ने हमें इनवाइट किया है, और यंग एप्लीकेंट हैं, लगाना कैसे है, तो बेस्ट हमारा जो जर्नल व्यू है वो यही है कि आप इनविटेशन मत लगाइए अगर वो आपका क्लोज का रिलेटिव नहीं है। कज़न वाले केसेस में दे आर नॉट ग्रांटिंग वीज़ास, एक्स वाई जेड कोई भी सरकमस्टांस हो, अगर रिलेशन दूर का है देन डोंट रिलाई ऑन इन्विटेशन, खासकर आई एम अंडरलाइनिंग इन द केस ऑफ यंग एप्लीकेंट्स, ठीक है। बाकी क्लैरिटी के लिए सबका अलग अलग मैटर करता है, तो डिस्कशन कर लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। बट एक चीज़ जनरलाइज जो हम सबको बोल रहे हैं कि इन्विटेशन डोंट वर्कआउट फॉर द यंग एप्लीकेंट्स, कुछ खास सर्कमस्टांसिस में वर्कआउट करते हैं, और उसमें अब मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उन खास सर्कमस्टांसिस में भी क्लोज्ड वन कज़न रिलेशंस इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, जो आपके रियल ब्रदर है, रियल सिस्टर है, रियल चाचा, रियल ताया, ऐसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स वाला आप सभी भूल जाएं, दैट इज़ अ सेकेंड जर्नलाइज स्टेटमेंट। फ्रेंड का इनविटेशन किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह आप लगाओगे, दे विल नॉट ग्रांट, उसका कोई वेटेज नहीं है। फ्रेंड्स को तो आप क्रॉस कर दो, ठीक है। नंबर वन पे आपके रियल रिलेटिव्स हैं, नंबर टू पे कज़न रखो, वो भी चांसेस कम ही है, उसको भी मैं तो कहूँगा एक तरह से काटा ही है। ओनली क्लोज रिलेटिव एंड रियल रिलेटिव वर्कआउट, और ये वाले भी यंग एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप ये सुन के भी यंग हमारा रियल रिलेटिव लगा दें, नो, रियल रिलेटिव इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस एंड द वे वी टेल, वो डिपेंड करता है केस टू केस, राइट। तो वो
पहला पॉइंट आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि रियल रिलेटिव्स के बेसिस पर ही आपने लगाना है। और अगर आप यंग एप्लीकेंट हैं, अब यंग एप्लीकेंट की डेफिनेशन बता दूं, बिलो 60 ऑल आर यंग इन द आइज ऑफ एम्बेसी। अब ये मत सोच लेना मैं 45 साल का हूँ या 50 साल का हूँ तो आई एम नॉट इन द आइज ऑफ एम्बेसी के आइज़ में। अबव 60 इज सीनियर सिटीज़न वाले जिनको वो मानते हैं कि हाँ ये बंदा वहाँ जाके कन्वर्ट नहीं करेगा, राइट। बिलो 60 किसी को भी वहाँ ट्रेड कोर्सेज में या उसमें वीज़ा हो जाता है ग्रांट, तो उनके माइंड में रहता है कि ही वोंट कम बैक। तो ये मेरी डेफिनेशन है। तो यंग एप्लीकेंट्स में बिलो 60 सब आते हैं। सो डोंट यूटिलाइज इन्विटेशन फॉर बिलो 60। और अगर आपने इन्विटेशन यूटिलाइज करना है तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में होगा, और वो भी होगा रियल रिलेटिव्स का। कजन्स फ्रेंड्स डोंट वर्क। तो दिस इज़ द नंबर वन पॉइंट जो आपको हम देने जाते हैं। आप बताते हैं नंबर टू पॉइंट पे आते हैं। अब आज के डेट में दे आर, अगर इस तरह का कोई केस आता है, पहली बात रियल रिलेटिव है, स्पेशल सर्कमस्टांस पे हमने फाइल लगा दी, राइट। अब अगर वो आधा कन्विंस हो जाते हैं, मानते हैं, देन दे कॉल ऑस्ट्रेलियन साइड। दिस इज़ द नंबर टू। अब ऑस्ट्रेलियन जिसने आपको इनवाइट किया है, अब चाहे वो किसी भी एक्स वाई जेड वीज़ा पर है, राइट, उसको उसका इनविटेशन आपने लगाया हुआ है और उसको फ़ोन जाता है, तो बी वेरी विजिलेंट। आप उसको बोल के रखें, या अगर आप ऑस्ट्रेलियन साइड पर हैं तो आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने रियल रिलेटिव को, तो आप विजिलेंट रहें कि एम्बेसी से फ़ोन आता है और आपको सारा केस उनको समझाना है और कन्विंस करना है। अगर आपने फ़ोन ना उठाया, नंबर वन, देन दैट कुड लीड टू रिफ्यूज़ल। नंबर टू, आपको नॉलेज में होना चाहिए क्या सरकमस्टांस है, किस तरह से फाइलिंग हुई हुई है, क्या उन्होंने मांगा हुआ है, क्यों वो आ रहे हैं। सेम रिस्पॉन्स दे वॉन्ट फ्राम ऑस्ट्रेलियन साइड, राइट। तो आपको वो बताना। अगर आप नहीं बता पाओगे, आपका या कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उधर कुछ और लिखा हुआ है, आप कुछ और बोल रहे हो ऑस्ट्रेलियन साइड पे, देन दिस कैन ऑल्सो लीड टू रिफ्यूज़ल। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलियन साइड पे भी जिसने इनविटेशन भेजा है उसको बहुत सीरियस रह के ट्रैक करना पड़ेगा, कभी भी कोई कॉल कहीं मिस ना हो जाए। एंड ईमेल दे आर नॉट डूइंग राइट नाउ, जैसे हमारे पास सिनेरियो आ रहा है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कॉलिंग मोबाइल पे। फ़ोन जो आप करते हैं, नंबर देते हैं, इनविटेशन जो करता है, इनवाइट जो करता है, उसको कॉल करता है। हाँ, दैट इज़ फॉर श्योर कि ऐसा नहीं होगा आप सो रहे होंगे तब फ़ोन आएगा, दे नो द टाइम क्या है, राइट, उनको मालूम होता है और सही टाइम पर आता है, राइट। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दैट कॉल। और नंबर दो, जिस सरकमस्टांस में फ़ाइल लगी हुई है, जो जो उन्होंने वहाँ बताया हुआ है, हमने इस तरह से जाना है जी, ये प्रॉब्लम है हमारे जिसने इनवाइट किया, या ये फंक्शन है हमारे यहाँ जिसलिए हमें इनविटेशन आया, तो वो सेम चीज़ आपको बोलनी है, वो मैच होनी चाहिए। एंड यू शुड नो किसको इनवाइट किया और किस किस को इनवाइट किया, ये सारा कुछ वो पूछते हैं। 5-6 मिनट की कॉल होती है कम से कम, मिनिमम, ज़्यादा भी जा सकती है। और उसी ऊपर अगर वो कॉल आपको आ गया तो 50% आप काम समझ लें, दे आर कन्विंस्ड कि आया, दे आर नाउ जस्ट वेरीफाइंग कि जो बंदे ने लिखा हुआ है एप्लीकेंट ने कि हमें इसलिए बुलाया कि वो चीज़ है भी या नहीं, वो कन्फर्म करते हैं बस। वो अगर आपने कन्विंस कर दिया उनको, सारा बता दिया एज इट इज़, देन सेम डे वीज़ा भी आ जाता, राइट। तो ये, और अगर ऑस्ट्रेलियन साइड पर सीरियस नहीं है बंदा जिसने इनवाइट किया है, ज़बरदस्ती आप उससे ले रहे हो, फिर आपको वीज़ा, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है ना, तो वो कॉल उठाएगा, अगर आएगी भी तो हो सकता है मिस कर दे उसको, क्योंकि ऐसे केसेस भी हमने डिस्कस किए हैं, होता है। अगर ऑस्ट्रेलियन साइड पे सीरियस नहीं है आपको इनवाइट करने के लिए, तब भी आप जो मर्जी सरकमस्टांस, एवरी व्हाटएवर, कुछ भी आपने लगाया, वहाँ से अगर रिस्पॉन्स ज़ीरो है तो आपको वीज़ा वो नहीं देंगे, ठीक है। तो इनविटेशन जब भी लेना है आप सीरियस बंदे से ही लें, मतलब वो भी चाहता हो कि आप आएँ, ऐसा ज़बरदस्ती वाला काम मत करिए, इसके आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं जाना। ज़बरदस्ती आप करोगे, इनविटेशन लिख के दे देगा, रिस्पॉन्ड करेगा नहीं, करेगा भी तो कुछ बताएगा नहीं, और अगर बताएगा भी तो कुछ उल्टा सीधा बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता आप आओ। तो ऐसे इन्विटेशन तो अच्छा ना ही करें, राइट, क्योंकि दीज डेज दे आर वेरी सीरियस,
दे आर आस्किंग ऑस्ट्रेलियन साइड, और वहाँ पर अगर उनको रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है, दे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़. सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो मैसेज, कि अगर आप इन्विटेशन पे जा रहे हो, आई अगेन समराइज, इन्विटेशन यंग एप्लीकेंट्स के लिए वर्कआउट नहीं करता. वर्कआउट करता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में करता है, और किसका करता है, रियल रिलेटिव का करता है. ये सब कर कर आके भी अगर जो रिलेटिव है वो सीरियस नहीं है, वो आप एम्बेसी के फ़ोन को नहीं सुनता, सही तरह से कॉपरेट नहीं कर रहा है, तब भी आपका नहीं आएगा, तो वो भी सीरियस होना चाहिए. तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग, राइट. सो ये जो पॉइंट्स हैं हमने आपको फोकस करे हैं, ये आप ध्यान में रखें. और बाकी किसको इनविटेशन लगाना है किसको नहीं लगाना, ये अलग अलग सर्कमस्टांस, अलग अलग फैमिली टू फैमिली एंड व्हाट इज़ द पर्पस, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. अब कुछ फंक्शंस, नंबर 3 होता है कॉज, किस लिए बुलाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब आप बताएंगे डिस्कस करेंगे तभी होगा ना. अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इस चीज़ के लिए तो बड़ा वो सीरियस है जी, वो दैट इज़ नॉट ए जर्नलाइज्ड थिंग. ये आप प्रोफाइल टू प्रोफाइल, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि क्या रीज़न के लिए वो बुला रहे हैं, राइट. और वो आप जब डिस्कस करोगे तभी हम आपको बताएंगे कि वो उसकी सीरियसनेस कितनी है एम्बेसी की आइज़ में, कि उसको वो क्रेडिट देते हैं उस इवेंट को या नहीं. अगर नहीं देते तो कुछ और करके आप फाइल लगाएं, कुछ और बेसिस पे इन्विटेशन मांगा जाए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं. तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ द पर्पस, किस लिए आप जा रहे हैं, इनविटेशन क्यों आया, और वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिनेरियो को लेके, राइट. ये कोई जर्नलाइज थिंग नहीं, इसलिए हम बता नहीं रहे कौन सा इवेंट के लिए करना चाहिए, वो बहुत वेरिएबिलिटी है उसके अंदर, राइट. और वो वेरिएबिलिटी मैच करती है आपके फैमिली सर्कमस्टांस पे, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर किस तरह से है, देर आर मैनी फैक्टर्स, उसके हिसाब से वो जो रीज़न है वो वैलिड बनता है और उसको वेटेज दिया जाता है या नहीं दिया जाता. इट डिपेंड्स ऑल ऑन दोज फैक्टर्स. तो आप जब डिस्कस करेंगे हमारे साथ तो उसमें क्लैरिफाई होता है कि क्या इनविटेशन चाहिए आपको, जिससे एम्बेसी को भी लगे कि हाँ जेन्युइन इनविटेशन है, रिक्वायरमेंट है, राइट. और ये सब लास्ट में आया था प्रेजेंटेशन, कि इन सब चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए एम्बेसी के आगे प्रॉपर तरीके से, कि ये है जी पर्पस और इसलिए हम जाना चाहते हैं, वो क्लैरिफाई होना चाहिए फ्रॉम योर फाइल. अगर वही नहीं क्लैरिफाई होगा तो वो कन्विंस ही नहीं होगा, कन्विंस नहीं होगा तो फ़ोन ही नहीं करेगा, फ़ोन ही नहीं करेगा तो सारा इंटरकनेक्टेड है, राइट. सो इन द लास्ट आई समराइज द पॉइंट्स विद रिगार्ड टू इन्विटेशन, हाउ इट इज़ हेल्पफुल. नंबर 1, जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, इट डोंट वर्क फॉर यंग एप्लीकेंट्स, अंडरलाइन दिस लाइन, और यंग एप्लीकेंट्स बिलो 60 हैं, राइट. नंबर 1 पॉइंट, इट वर्क्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा तभी पता लगेगा. नंबर 3, वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रिलेटिव शुड बी क्लोज वन, कजन्स डोंट वर्क, फ्रेंड्स डोंट वर्क एज ऑफ नाउ, राइट. सिर्फ रियल रिलेटिव्स के केस में होता है. और रियल रिलेटिव्स कैन बी चाचा जी, रियल ताया जी, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, वॉट एवर, राइट. इन लॉज रियल, वो तो रियल ही होते हैं, सॉरी. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. नंबर 4, सीरियसनेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन रिलेटिव, हाउ सीरियस ही इज, वो आपको बुलाना चाहता है या नहीं चाहता. एंड नंबर 4, आफ्टर सीरियसनेस, वॉट मैटर्स इज Why he is inviting you? वो आपको क्यों बुला रहे हैं, वो भी मैटर करता है. ये करंट सिनेरियो को लेकर आपको अपडेट दे रहा हूँ कि ये चीज़ भी अब मैटर कर रही है कि क्यों बुलाया जा रहा है. और वो फिर वो कन्फर्म करते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन साइड से, और वो अगर वेरीफाई हो जाता है देन यू विल गेट द वीज़ा, ठीक है. तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. जूम मीटिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिए, कॉलिंग से बेटर है व्हाट्सएप. हेलो लिखना है आपने, आपके पास ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा कैसे आपको बुक करनी है, एंड देन यू कैन हैव इट, ठीक है जी. थैंक यू.